हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसको ही कल हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ लेवल्स को भी नोट डाउन करते चलिएगा जिससे कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे हम लोग इंट्राडे स्टॉक्स में डिस्कशन करने से पहले आपको पहले एक बार टीसीएस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जो है इससे पहले हम लोगों ने एनालिसिस किया था और यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया था आपको इस लेवल के राउंड 3830 के राउंड जो है हम लोगों ने यहाँ पे आपको एंट्री लिया था। 377 जो है वो हम लोगों का आपको स्टॉप लॉस था 3770। एक बार के लिए आपको उस लेवल पे टच करने जरूर गया था लेकिन हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आपको हिट नहीं हुआ था। उसके बाद स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक किया और लास्ट के डिस्कशन में अगर आप लोगों को याद होगा जब मैंने कोटक बैंक के ऊपर आपको लास्ट एनालिसिस वीडियो किया था तो वहां पे जो है मैंने आपको क्लियरली बोला था जो टीसीएस में आपको बायबैक का न्यूज आ रहा है मार्केट क्लोज होने के बाद वो न्यूज आया था। तो अगर आपको यहाँ पे गैप अप ओपन होगा और आपको टारगेट मिल रहा है तो आप वहां पे एग्जिट करने के लिए जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और आज यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा गैप अप ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट आपको 125 to 130 पॉइंट के राउंड जो है आपको गैप अप ओपन हुआ था। 3985 के अराउंड जो है आपको यहाँ पे ओपनिंग हुआ था और वहां से जो है आपको वन वे सेलिंग यहाँ पे दिख रहा होगा क्योंकि प्रीवियस रेसिस्टेंस भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है। अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको रेसिस्टेंस भी इसी लेवल के अराउंड है, इसलिए यहाँ से सेलिंग आपको एक्सपेक्टेड था। और एक और चीज है, ओवरनाइट में अगर आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, सपोज जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाई किया होगा तो आपको ओवरनाइट में ऑलमोस्ट जो है मोर देन 3% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा था। तो यहाँ से जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग आना एक्सपेक्टेड था। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को ऑलमोस्ट जो है आपको 1:4 का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा था। तो यहाँ पे इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में जितने भी लोगों ने पैसे कमाए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर उस चीज को मेंशन कीजिएगा जिससे हम लोगों को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं आपको कोटक बैंक के ऊपर। कोटक बैंक के ऊपर लास्ट एनालिसिस वीडियो हम लोगों ने किया था और यहाँ पे हम लोगों ने आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आपको इंड स्क्रीन पे लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। हम लोगों ने डिसाइड किया था 1925 के ऊपर जो है यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। अगर इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। और डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट में इनसाइड कैंडल का आपको ब्रेकआउट बिल्कुल सेम समय पे हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट बिल्कुल सेम लेवल पे हो रहा है, साथ ही साथ डेली चार्ट में आपको मूविंग एवरेज का लेवल भी ब्रेक हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट था जहाँ पे कि हम लोगों ने ये चीज डिस्कशन किया था जो यहाँ पे हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। और आज यहाँ पे देखिए स्लो एंड स्टडी आपको थर्ड कैंडल के बाद यहाँ पे 1930 के राउंड जो है आपको क्लोज किया, उसके बाद आपको ऊपर जरूर गया, रिटेस्ट किया इसी लेवल को, फाइनली आपको इस लेवल के ऊपर अपने डे हाई पे जो है यहाँ पे क्लोजिंग कहीं दिया है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे भी आया है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे आपको पोजिशन बनाया है वो लोग बिल्कुल 1875 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बने रहे, आपको यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है तो कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सभी बैंकों पे आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है जो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करके ही पैसा बना सकते हैं, आप बैंकिंग स्टॉक को भी ट्रेड करेंगे तो इनडायरेक्टली आप बैंक निफ्टी को ही ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन सभी को ऊपर जाना पड़ेगा तभी आपको बैंक निफ्टी भी ऊपर की साइड मोमेंटम करेगा। तो ये आपको अपडेट था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब चलते हैं हम लोग इंट्राडे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई को हम लोग क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले एसबीआई के अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके क्लोज दिया है और ये स्विंग हाई आपको प्रीवियस टू टाइम से यहाँ पे रिटेस्ट हुआ था, ये ब्रेक नहीं हो रहा था, उसके बाद जो है फाइनली आपको इस लेवल के अराउंड ब्रेक हुआ है, 500 के लेवल के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो ये जो है आपको बहुत ही अच्छा जो है बुलिश लग रहा है, बैंक निफ्टी में भी आपको एक अच्छा मोमेंटम है तो एसबीआई में जो है और तेज मोमेंटम हो सकता है। साथ ही आगे बजट भी है तो अभी पीएसयू बैंक में आपको और तेजी दिख सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं? तो देखिए
एसबीआई में हम लोग इमीडिएटली ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 2 से 3 रुपए का पुल बैक यहाँ पे जरूर एक बार के लिए आना चाहिए, क्योंकि आज आपको नीचे के लेवल से 495 के लेवल से वन वे रैली हुआ है आपको 10 पॉइंट का, तो 2 से 3 रुपए का अगर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ जाता है 500-501 के अराउंड अगर आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री मिलता है तो यहाँ पे जरूर जो है हम लोग एक बाई पोजिशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 495 का लेवल रहेगा तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में टारगेट हम लोगों का 7 से 10 रुपए का रहेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, नहीं आता है गैप अप होके ऊपर निकल जाता है तो कोई बात नहीं आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ऊपर में अगर आप बाई करेंगे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे जो है कंप्रोमाइज हो सकता है। साथ ही आपको इमीडिएटली कोई ऐसा लेवल भी नहीं है जहां पे कि आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, तो इसलिए बेटर है आप रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। 500-501 के अराउंड अगर आपको यहां पे बाउंस बैक दिखता है यहां पे आप बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 495 का रहेगा, टारगेट जो है वो आपका 7 to 10 पॉइंट का होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है आपको टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के भी अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको एक अच्छा मोमेंटम हुआ, मोमेंटम के बाद ऊपर से स्टॉक रिट्रेस किया और रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे जो है आपको 1700 के लेवल से कंटिन्यू 2 दिन से स्टॉक जो है यहाँ पे आपको बाउंस कर रहा है। साथ ही अगर एक चीज आपको ध्यान देंगे तो 12 तारीख को आपको वेडनेसडे को आपको रिजल्ट है, इन्फोसिस और टीसीएस दोनों का रिजल्ट है, तो यहाँ पे जो है और भी आईटी सेक्टर में एक थोड़ा सा आपको तेजी आ सकता है, क्योंकि देखिए रिजल्ट से पहले आपको सेल ऑफ आ चुका है तो अब यहाँ पे जो है आपको एक तेजी ही एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे जो है हम लोग मान सकते हैं जो एक तेजी आ सकता है और कंटिन्यू आपको 1700 के लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पे आज भी नीचे के लेवल से एक अच्छा पिन बार बना है आपको 1700 के लेवल पे, तो हम लोग इस स्टॉक को आपको इंट्राडे में आपको बाई करने के लिए देखेंगे, बाई करेंगे हम लोग 1725 के लेवल के ऊपर। जब तक इस लेवल के ऊपर आपको एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं होता या एटलीस्ट आपको 2 से 3 मिनट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, हम लोग यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये लेवल आपको ऑलरेडी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुका है और अगर इस लेवल के ऊपर आपको निकलता है तो यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है, तो इजिली जो है स्टॉक आपको 1740-1750 तक पुल अप हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक इनसाइड कैंडल भी बन रहा है, तो इनसाइड कैंडल का भी ब्रेकआउट होगा डेली चार्ट में जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो एक अच्छा मोमेंटम जो है यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 1725 के ऊपर यहाँ पे आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आपको 1715 का लगाना है, 10 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आपका जो है यहाँ पे 15 to 20 पॉइंट का होने वाला है। थर्ड स्टॉक है आपको टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, सबसे पहले डेली चार्ट में अगर देखेंगे 500 के लेवल के ऊपर आपको स्टॉक जो है बहुत दिनों के बाद यहां पे क्लोजिंग दिया है, यहां पे देखेंगे तो नवंबर के लेवल से ही 500 के नीचे आपको स्टॉक जो है कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था, मल्टीपल टाइम इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया नहीं कर पाया, फाइनली आज आपको 500 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। ऑटो सेक्टर में एक अच्छा बुलिशनेस दिख रहा है आपको, हीरो मोटो कॉर्प में नीचे के लेवल से आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, मारुति सुजुकी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को इंट्राडे भी मिल सकता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आएगा तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 कंडीशन में बाई करना है, अगर ये थोड़ा सा भी रिट्रेस बैक करता है 500 के लेवल के अराउंड तो, और अगर आपको यहाँ पे नीचे के लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है डेफिनेटली यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, वो 500 के लेवल के ऊपर अगर रिट्रेस बैक करके 501-502 के अराउंड आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, 495 का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। सपोज यहाँ पे फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकल जाता है 505 के ऊपर, तो यहाँ पे आज देखिए 505 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे आपको 2 टाइम आपको ट्राई जरूर किया, लास्ट में भी क्लोजिंग इसके अराउंड दिया है 505 के अराउंड, बट इसको क्लोज नहीं कर पाया है, तो अगर कल ये फ्लैट खुल के और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है 505 के ऊपर तो आप यहीं पे इमीडिएटली बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 500 के नीचे रहेगा, टारगेट जो है वो आपका 510-515 दो टारगेट के लिए आप यहां पे देख सकते हैं, रिट्रेसमेंट लेगा तो भी आप यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 500 के लेवल के ऊपर, फ्लैट खुल के और 500 के लेवल के 505 के लेवल के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है वहां पे भी आप बाई कर सकते हैं, 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट जो है आपका 7 से 10 रुपए का होने वाला है। फोर्थ स्टॉक है आपको हिंडाल्को।
हिंडाल्को मेटल सेक्टर में भी एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पे हिंडाल्को में भी आपको सेम चीज कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे भी आपको बाई करना है, बाई किस लेवल के अराउंड करना है, 495 के लेवल के ऊपर ही आपको यहाँ पे बाइंग करना है, क्योंकि सेकेंड हाफ में आपको इस लेवल को कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो अगर इस लेवल के ऊपर अगर ये ब्रेक करके निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे 505 तक का लेवल जो है इजीली देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 495 के ऊपर आप बाइंग करेंगे, 490 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 500 जो है वो आपका दूसरा टारगेट होगा, क्योंकि 500 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे भी जो है आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में दिख सकता है, और डेली चार्ट में भी स्टॉक बुलिश है तो यहाँ पे जो है एक अच्छा बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। और लास्ट स्टॉक है आपको डीएलएफ के भी डेली चार्ट में अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा जो है आपको मूवमेंट हो रहा है। स्टॉक यहाँ ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे आपको हॉल्ट किया, और हॉल्ट करने के बाद जो है यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे जो अगर देखेंगे तो स्पेस आपको 425 के लेवल तक जो है इजीली स्टॉक जो है यहाँ पे आपको पुल अप हो सकता है। तो हम लोग जो है इस स्टॉक को इंट्राडे में बाइंग करने के लिए देखेंगे। यहाँ पे आपको बाई करना है 410 के लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जो है आपको यहाँ पे बाई करना है 405, ये आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, क्योंकि इस लेवल के नीचे एक अच्छा गैप भी है स्टॉक के पास। यहाँ पे इजीली 5 रुपीज नीचे का गैप है, तो ये आपको गैप फिल करने के लिए जा सकता है, और यहाँ पे एक रेंज बनाया है। तो रेंज अगर अपसाइड में यहाँ पे ब्रेक होगा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 410 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, वहां पे आपका बाइंग जो है अपॉर्चुनिटी बाइंग प्राइस ट्रिगर होता है। स्टॉप लॉस आपका 405 का रहेगा, टारगेट जो है आपका 7 to 8 पॉइंट का यहाँ पे होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा, एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।